हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं जो कि कल मेरे फादर के साथ हुआ था जब वो जा रहे थे ऑफिस। सो ये वो हाल है जो मैं आपको भी बताने वाला हूं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारे साथ जो ये चोरी मैं बताना चाहता हूँ, ये एक्चुअली एक ग्रुप है जो कि पार्ट्स में एक्ट करता है। सो जैसे आप लोग एक कहीं पर भी आप जा रहे हो, सो ये एक दो बाइकर्स हैं जो आपके आगे लग जाएंगे एंड तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा। एंड ये छुपके से कोई ऑयल सा स्प्रे कर देंगे फ्रंट पे। सो ये तो पुंटो थी। सो इसका जो फ्रंट ग्रिल है एंड जो रेडिएटर है, विच इज़ इन दोनों में काफ़ी गैप है। सो स्प्रे रेडिएटर तक नहीं पहुंचा। अगर वो स्प्रे ऑयल का रेडिएटर को टच करता सो स्मोक जनरेट होता है। सो आप लोग अगर ड्राइव कर रहे हो सो आपको दिखेगा कि यार कार में से स्मोक आ रहा है। सो आप ऑब्वियसली बात है कार रोक के चेक करना ही जाओगे, राइट? एंड पुंटो के केस में जब फादर मेरे ड्राइव कर रहे थे तो ऑब्वियसली बात है स्मोक नहीं आया क्योंकि ऑयल रेडिएटर को हिट नहीं करा। सो लेकिन जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ एंड फिर थोड़ी देर बाद एक और बाइकर्स आए एंड उन्होंने कुछ इशारा किया आगे से कि कुछ प्रॉब्लम है। सो पापा को लगा कि टायर वगैरह पंक्चर हो गया होगा या कोई भी ऐसा। पुंटो के अंदर एक्चुअली हमारा रियर व्हील का एक बड़ी टायर एकदम फ्लैट हो गया था, फटी गया था इनफैक्ट। तब भी अंदर नहीं पता चल रहा था कि टायर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों इस कार में फील नहीं होता। फ्रंट टायर से हो जाना चाहिए बट टच वुड अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट हमने फेस नहीं किया है कि टायर फ्लैट या पंक्चर होने का। एंड जब इशारा किया तो ऑब्वियसली बात है सोचा कि कोई अच्छा बंदा होगा, उन्होंने बताया होगा कुछ, तो उन्होंने फिर कार को रोका साइड में। वो बाइकर्स वहाँ से चले गए सो कोई शक नहीं बनता। एंड जहाँ पर अपने कार ने रोका, कार को रोका बाबा ने, तो वहाँ पे कुछ और लोग भी थे। सो बाबा ने बस कार खोली, बोनेट खोल के आगे देखा, वो चेक वेक किया। सो द मोमेंट ही ओपन द बोनेट, बोनेट आगे आ गया, आप उसके सामने खड़े हो। सो ऑब्वियसली बात है आपको पीछे का तो कुछ नज़र आएगा नहीं ना। उतनी देर में क्या हुआ, रियर डोर ओपन किया और बैग को लेके चला गया। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कुछ ऐसा हो आप लोगों के साथ, सबसे पहले कार से निकलते ही चाबी आप लोगों ने हाथ में लेनी है, दरवाज़ा बंद करके लॉक कर देना, बोनेट पहले ही ओपन कर लेना, फ्रंट चेक कर लेना, बोनेट चेक कर लेना। कुछ आपको मिलेगा नहीं क्योंकि कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ये इनका बस प्लान होता है कि वो स्प्रे करते हैं, स्मोक जनरेट होता है एंड लोगों को डरा के वो चोरियाँ करते हैं। सो यहाँ तो रुकना ही मत, अगर स्मोक है, डर लग रहा है, सो कार से उतरना, लॉक करना, उसके बाद ही बाहर जाना। एंड अगर कोई गर्ल या कोई वुमन ये वीडियो देख रही है सो मैं आपको पहले एडवाइस करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी हो, इवन स्मोक भी आ रहा है, सो आप कार अगर आपकी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बिल्कुल फाइन चल रही है, टायर्स में कोई इशू नहीं है, कार की रनिंग में कोई इशू नहीं है, एसी में कोई इशू नहीं है, मतलब कार एकदम परफेक्टली नॉर्मल चल रही है, सो बिल्कुल मत रुकना। कुछ भरोसा नहीं है आजकल। सो जो आपकी डेस्टिनेशन है या कोई अच्छा बड़ा पब्लिक एरिया है, स्पेशली कोई बड़ा पेट्रोल पंप है या कुछ भी ऐसा है, सो वहीं जाके रुकना एंड चेकआउट कर लेना कार को। आपको कोई इशू नहीं मिलेगा, बस आगे ऑयल मिलेगा जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ अच्छी तरह से, एंड बोनट खोल के भी दिखाता हूँ कि पीछे का एरिया बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। गाइस, हियर वी आर, एज यू कैन सी, इतनी बड़ी अगर दीवार आगे आ जाएगी तो पीछे का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा, राइट? एंड ये है पुंटो का रेडिएटर यहाँ पे एंड ग्रिल है यहाँ। सो आप ये ऑयल देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी पे स्प्रे किया गया है यहाँ से यहाँ एंड पूरी एक्चुअली फ्रंट ग्रिल एंड काफ़ी सारा, देखो ये नीचे बह गया है। सो अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मैं लाइट ऑन करता हूँ अभी क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है यहाँ तक स्प्रे एंड ब्लॉकेज बीच में काफ़ी सारी चीज़ों पर है। सो दैट इज़ वेरी गुड कि वो अंदर तक नहीं पहुँच पाया। सो गाइज, एक चीज़ और है कि बंदा सोचेगा कि अगर इंजन ऑयल नहीं तो हो सकता पावर स्टीयरिंग ऑयल या कूलेंट या ब्रेक ऑयल या कोई भी दूसरे टाइप का ऑयल भी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि आप देखो ये पाइप्स वगैरह यहाँ पर हैं एंड इंजन यहाँ पर, देन रेडिएटर यहाँ पर, सो ऑलरेडी बीच में काफ़ी सारा गैप है, देन ग्रिल यहाँ पर है। सो ग्रिल से यहाँ पर आप देखिए कितना सारा गैप है। सो अपनी कार्स में भी आप चेक कर लेना कि एक स्प्रे कितनी दूर जा सकता है। कुछ कार्स में रेडिएटर एक्चुअली ग्रिल के काफ़ी पास है, सो वहाँ पे वो डेफिनेटली जा पाएगा, बट नॉट इन द केस विद द ग्रैंडे पुंटो। गाइस, अभी ना कार का एक डोर ओपन है, क्या आप बता सकते हो कौन सा डोर ओपन है? सो बेसिकली गाइस, इसी चीज़ का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया। एज यू कैन सी द डोर इज़ ओपन, कोई भी सामान निकाल के ले जाए, कुछ ही नहीं आप बता सकते क्योंकि ये बोनेट जो होता है ये एक तरह की दीवार ही होती है। सो
पहले कार को लॉक करना एंड फिर बोनट ओपन करना जस्ट टू बी सेफ. ओके सो गाइस, अगर आप श्योर हो कि आपकी कार एकदम फाइन चल रही है एंड कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो मेरी सजेशन तो आप लोगों से यही है कि वहाँ पे से आप निकल जाना, रुकना मत, जो कोई बोलता है बोलता रहे. एंड टायर्स का यूजुअली हर कार में फील हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है. अगर आपको वो भी फील नहीं हो रहा तो देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टॉपिंग. जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है वहीं रुकना, या फिर कोई पब्लिक एरिया में. बस मैं अवेयरनेस फैलाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, अदरवाइज़ तो और कोई मतलब नहीं है. एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स अवेयर रहें इन सब चीज़ों से. आजकल ये सब बहुत हो रहा है यहाँ पर, स्पेशली दिल्ली एरिया में, NCR में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी हैं ऐसी, एंड काफ़ी और जगहों पे भी है ये इंसिडेंट. एक्चुअली मुझे एक दो साल पहले से मालूम है, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ ही, मतलब मेरी फैमिली में ही हो जाएगा. सो इन एनी केस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस. आई होप यू गाइस लाइक इट, एंड इफ यू गाइस लाइक इट प्लीज़ डू चेक आउट अदर वीडियोज़ टू. एंड अगर ये अच्छा लगा वो वीडियो सच्चे में, तो प्लीज़ डू शेयर इट. मैं ये चाहता हूँ कि इंसिडेंट के बारे में सबको मालूम हो, एंड कोई भी इसके चंगुल में, जो ग्रुप है एक्चुअली मल्टीपल ग्रुप्स हैं, सो फंसे नहीं यार कोई भी. ठीक है फिर गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल. ओके बाय, टेक केयर, हैव फन.